कई बार क्या होता है, ग्रोथ एकदम रुकी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये पालर पाम की अपडेट दे रही हूँ और इसको रिपोर्ट किए हुए कुछ टाइम हो गया है और अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका अगर पालर पाम या एरिका पाम रूट बाउंड हो चुका है, क्योंकि इनको रूट बाउंड होने में बहुत टाइम लगता है। स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं ये पाम्स और बहुत जल्दी रिपोर्टिंग नहीं चाहते हैं ये रिपोर्ट करने से कई बार शॉक में भी आ जाते हैं। तो इसको जब तक रूट बाउंड या पॉट बाउंड ना हो, जब तक इसको रिपोर्ट ना करें। ये पालर पाम है तो आज हम लोग देखेंगे कि क्यों और कब हम लोग रिपोर्ट करते हैं इस प्लांट को। और ये वाला जो पालर पाम है, ये ग्रोथ नहीं हो रही है इसकी और ये पीला पड़ता जा रहा है। और इसको अगर हम लोग खोल के देखेंगे तो इसमें बहुत छोटा कंटेनर है और ये 3-4 साल से इसी के अंदर है। तो ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर से निकाला है इसको और ये टोटली रूट बाउंड हो चुका है, इसीलिए ये ग्रोथ नहीं कर रहा। मार्च का महीना है अभी, तो इसको भी हम लोग रिपोर्ट करेंगे और इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। अभी देखिए, ये पूरा पीला पड़ा हुआ है, ये सारे इसके पत्ते पीले हो रहे हैं और इसमें ग्रोथ खत्म हो गई है। पाम में सब पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ये इस तरह से बता रहा है कि रूट बाउंड हो गया है प्लांट। अब इसको नया पॉट, एक साइज बड़ा पॉट चाहिए है। और जो ये वाला पाम है, पालर पाम, इसको मैं इस बार अर्दन पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा इतना बढ़िया नहीं कर रहा, ये ग्रीन होना चाहिए एकदम। तो अब इसको एक बार अर्दन पॉट में लगाते हैं, फिर इसकी ग्रोथ देखते हैं कि कितनी बढ़िया हो जाती है। अर्दन पॉट में ब्रीथ कर पाता है सॉयल, ये बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है अंदर और बाहर एटमॉस्फेयर के साथ, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो भी वेपरेट होता रहता है। साथ में इसकी रूट गर्मियों में थोड़ी ठंडी रहती हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं प्लांट के लिए, क्योंकि वो धरती से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए मैं अर्दन पॉट लूँगी और उसको मैंने तैयार कर लिया है। ये वाला गमला है, इसको मैंने तैयार कर लिया है पेंट करके, और ये वाले गमले में मैं पालर पाम लगाऊंगी। अभी इसको मैंने पहले एक सेरेमिक पॉट में था, ऑरेंज कलर के, और बहुत छोटा पॉट था, और अब मैंने इसको एक अर्दन पॉट में किया है, और बहुत बड़े पॉट में नहीं किया है। ये देखिए, इसमें थोड़ी जगह है वैसे, और बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में करने से इसका वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे करके इसका साइज़ बढ़ाते रहें, क्योंकि ये बहुत जल्दी रूट बाउंड या पॉट बाउंड होता भी नहीं है। तो अब इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है और ये प्लांट बहुत ग्रीन और बढ़िया हो रहा है। कभी प्लांट अगर रूट बाउंड हो रहा है, अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि इसको किए हुए कुछ टाइम हो चुका है। तो आप इस रेनी सीज़न में ज़रूर इसको अपने पालर पाम को या एरिका पाम, कोई सा भी पाम हो, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट बारिशों में बहुत अच्छा टाइम होता है, कोई भी प्लांट आप अगर रूट बाउंड है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ग्रोथ एकदम रुकी रहती है। हम लोग कोशिश करते हैं फर्टिलाइज़र डाल के और तरह तरह के, ताकि इसमें ग्रोथ हो जाए, मगर जब ये पॉट में पूरी तरह से इसकी रूट्स जकड़ जाती हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते न्यूट्रिएंट्स, और रूट की ग्रोथ बंद हो जाती है। और जब रूट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती तो प्लांट की सॉइल के ऊपर भी ग्रोथ बहुत बढ़िया नहीं होती। तो इसके लिए आप ज़रूर देखें, कुछ साइंस तो होते हैं रूट बाउंड के, कि आपके पॉट के ड्रेनेज होल से इसकी रूट्स निकलने लगेंगी, और कुछ केसेस में एकदम ऊपर ही आपको रूट का जाला नज़र आने लगेगा। हल किसी खुरपी करके देखेंगे चारों तरफ तो आपको रूट्स ही रूट्स नज़र आएंगी, और कुछ प्लांट्स में तो प्लांट इतने भर जाएंगे कि गमला अपने आप ही फट जाएगा। तो ये बहुत सारे साइंस होते हैं, प्लांट बताता है कि ये
स्पेस मेरे लिए ग्रोथ के लिए कम है। और दूसरे गमले में करते ही आपके प्लांट में एकदम शाइन आ जाती है और बहुत अच्छी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। पाम को मैंने बहुत प्रोटेक्टेड एरिया में रखा हुआ था, बहुत सारे पौधों के बीच में रखा है ताकि इसको ह्यूमिडिटी मिलती रहे और डायरेक्ट सनलाइट एकदम भी नहीं। ये जो पाम्स होते हैं जितने भी, ये बहुत शेड लविंग प्लांट होते हैं और अगर इनकी लीव्स ब्राउन हो जाती हैं तो ये देखने में इतने खूबसूरत नहीं लगते। एक मैंने ब्राउन लीव्स क्यों होती हैं इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आपके में भी ये प्रॉब्लम है तो वो रीज़न क्या है। अगर आप देखना चाहते हैं आपके प्लांट में ग्रोथ है तो बीच में से क्राउन से चेक कर सकते हैं कि नई लीव्स निकल रही हैं कि नहीं निकल रही। अगर लीव्स नई निकल रही हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में इसमें कुछ ग्रोथ शुरू होती है, तो आपका प्लांट ठीक ठाक है और ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। पाम्स में थोड़ी स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फटाफट ये आपको नई लीव्स दिखती जाएंगी, मगर एक आध भी दिख गई इसके मतलब आपके प्लांट में ग्रोथ है। पाम्स में पानी भी बहुत ध्यान से देना चाहिए, पानी तभी दें जब इसकी टॉप लेयर ड्राई हो जाए और बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा फर्टिलाइज़र ये मांगता नहीं है और मैं इसमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालती, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र का हम लोग को पता नहीं लगता कि कितना स्ट्रॉन्ग है। ऑर्गेनिक हो सकता है थोड़ा स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है तो स्लो एक्शन हो, मगर ख़राब एक्शन कम होता है। और पॉट बहुत छोटे होते हैं, देखिए कितना कंटेनर छोटा है, इसमें कितना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप साल में दो बार तीन बार डाल रहे हैं वो इनफ है, और कोशिश करें लिक्विड फॉर्म में डालें तो वैसे भी इसको नुकसान कम होगा। इसके स्केल्स का अटैक इसमें ज़रूर होता है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके स्टेम्स में ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स होने लगेंगे पाम के स्टेम्स में, वो स्केल्स के अटैक को आप कंट्रोल ज़रूर करिए, नहीं तो ये प्लांट आपका ग्रोथ अच्छा नहीं करेगा और ख़राब होने लगेगा। उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पालक पाम टेबल पाम का वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।